गुड मॉर्निंग क्लास 9th विषय हिंदी साहित्य गद्य भाग चैप्टर 4th शीर्षक सांवले सपनों की याद के प्रश्नों और उत्तर। लेखक हैं इसके आपके जाबिर हुसैन। यह आज का यह तीसरा भाग है इस चैप्टर का। दो भाग इससे पहले हमने इस चैप्टर की व्याख्या पढ़ी, भावार्थ पढ़ा और उसके अंतर्गत क्या क्या वर्णन है उसके बारे में पढ़ा। अब हम इस भाग में इसके जो प्रश्न उत्तर हैं पाठ्य पुस्तक के, जो उन प्रश्नों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है आपका, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। इसमें इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि किस घटना ने सालिम अली के जीवन को परिवर्तित कर दिया और उनको पक्षी प्रेमी बना दिया। तो इसके उत्तर में मैं बताना चाहूंगा, एक घटना है जिसने सालिम अली, जिनके बारे में इस चैप्टर में पूर्ण वर्णन किया गया है, जो पक्षी प्रेमी थे, जो वर्ड वाचर थे, जो इंडिया के वर्ड मैन कहे जाते हैं उनके बारे में, तो उनके बारे में कहा जा रहा है उनको पक्षी प्रेमी, उनके जीवन को किस घटना ने बदल दिया। तो एक घटना है मुझे याद आती है कि जब वो अपनी एयर गन से, जब एयर गन ले जाकर जब वो प्रकृति के आंगन में जाते हैं तो उनकी छत पर एक नीले कंठ की गौरैया बैठी होती है, पक्षी बैठा होता है। वो उस एयर गन उस पर वो चला देते हैं, उसके कारण उस नीले कंठ की गौरैया की मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु के विषाद में, उस मृत्यु के दुख में, उस पक्षी के दुख में, मृत्यु होने के बाद में जो दुख हुआ कि मेरे एयर गन के माध्यम से एक पक्षी की मृत्यु हो गई, जो कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, बाद में उन्होंने प्रायश्चित किया और उस घटना ने जो नीले कंठ की जो गौरैया थी, जो उनके एयर गन के माध्यम से मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, मर गई थी, उस घटना ने जो सालिम अली थे उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया, उन्हें पक्षियों के प्रति प्रेम करना सिखा दिया। अच्छा, पक्षी प्रेमी उनको बना दिया इस घटना ने, क्योंकि उन्होंने सोचा कि निर्जीव प्राणियों की इस प्रकार हमें हत्या नहीं करनी चाहिए, तो इस प्रकार उन जो विषाद हुआ उसने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। उस समय जब प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे, उनके सामने उन्होंने साइलेंट वैली, जो पक्षियों का एक स्थान है केरल में है साइलेंट वैली, उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि वहां असंख्य आपके पक्षी रहते हैं, वो असंख्य पक्षियों के जीवन के लिए, उनकी अच्छी व्यवस्था के लिए उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने जो रेगिस्तान से, राजस्थान से आने वाली जो धूल के कणों से मिश्रित जो हवा है, वो वहाँ के जो सुंदरता है, वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ की जो हरी भरी प्रकृति है, उसको वो बदल देगी और उथल पथल मचा देगी, उसमें अव्यवस्थित कर देगी उस साइलेंट वैली स्थान को। इस समस्या को लेकर, क्योंकि आए दिन रेगिस्तानी हवाएं धूल के कणों के माध्यम से चलती रहती थी, उससे साइलेंट वैली पे प्रभाव पड़ता था और प्रभाव पड़ने के कारण वहां की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती, असंख्य वहां पक्षियों की मृत्यु होने की भी आशंका बनी रहती थी। इस कारण से चौधरी चरण सिंह के सामने उन्होंने इन सारी समस्या को रखा और इन सारी समस्या को सुनकर उनकी आंखें नम हो गई। यह इस प्रश्न का उत्तर है। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। जो इसमें आप डी एच लॉरेंस, जो उपन्यासकार हैं अंग्रेजी के, अंग्रेजी में बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे उन्होंने, तो उनके बारे में, डी एच लॉरेंस के बारे में इस में एक उद्धरण आया है इस चैप्टर के अंतर्गत, के जब फ्रीडा से पूछा गया, जो डी एच लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा लॉरेंस थी,
उनसे पूछा गया मृत्यु होने के बाद में डी एस लॉरेंस की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बारे में जब फ्रीडा से पूछा गया कि आप अपने पति के बारे में कुछ बताइए, तो जो फ्रीडा लॉरेंस थी, जो डी एस लॉरेंस की पत्नी थी, उसने ये कहा कि वो एक खुली किताब की तरह थे, उनके इतिहास को कौन नहीं जानता, उनके व्यक्तित्व को, उनकी उदारता को, उनके पक्षियों के प्रति प्रेम को, उनकी सहनशीलता को, उनकी उदार प्रवृत्ति को इस दुनिया में कौन नहीं जानता है, जो लोगों के हृदय में, दिलों में, उनके रोम रोम में बसे रहते थे, ऐसे डी एच लॉरेंस के बारे में कौन नहीं जानता है। यदि आपको अधिक पूछना है तो एक छत पर बैठी हुई गौरैया जो है उससे ज्यादा हमारे दोनों के बारे में कोई इस दुनिया में नहीं जानता है, आप उस गौरैया को पूछ सकती हैं। यह इस प्रश्न का उत्तर है। आशय स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। लॉरेंस जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, डी एच लॉरेंस एक उपन्यासकार थे, अंग्रेजी के उपन्यासकार थे, उनकी तरह वो भी प्रतिरूप थे, मूर्ति थे। क्यों? क्योंकि लॉरेंस, डी एच लॉरेंस भी अपने आप में एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, उदार प्रवृत्ति के थे, वो भी पक्षी प्रेमी थे, वो भी प्रकृति को प्रेम करने वाले थे, पर्यावरण को प्रेम करने वाले थे, उनकी भी एक किताब थी, स्त्री थी, वो लोगों के हृदय में बसने वाले थे, लोगों के दिलों में बसने वाले थे। उसी प्रकार यहाँ सालिम अली भी थे, उनकी प्रतिरूपी थे, अर्थात उन्हीं की तरह व्यक्तित्व वाले थे। यह बात बिल्कुल सही है। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकता है? अगर कोई अपने जिस्म की गर्मी देकर, दिल की धड़कन देके किसी मृत शरीर को या मृत व्यक्ति को अगर जीवित करना चाहे तो वो कभी नहीं कर सकता है। जिस प्रकार यहाँ अपने मधुर मधुर गीतों से इस दुनिया को सजोते हैं, जिस प्रकार पक्षी, इस दुनिया के परिंदे जो होते हैं वो इस दुनिया में तरह तरह के गीत गाते हैं और गीत गाते गाते मर जाते हैं, मरने के बाद में जिस प्रकार पक्षी इस प्रकृति में मिल जाते हैं, मिलने के बाद में उनका कोई अता पता नहीं रहता, उसी प्रकार सालिम अली को किस प्रकार जीवित करना चाहिए? यदि कोई पक्षी को अपने जिस्म की गर्मी देकर और दिल की धड़कन देकर भी जिंदा नहीं कर सकता है, उसी प्रकार सालिम अली को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता है। जब व्यक्ति एक बार जाने के बाद दुनिया छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद में कोई भी उसे जीवित करना तो जीवित नहीं कर सकता है, यह बिल्कुल असंभव है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। लोग उन्हें एक दिखावा ढंग के रूप में, जिस प्रकार टापू को दिखावा ढंग के रूप में जाना जाता है और अथाह सागर को एक अच्छे रूप में जाना जाता है, तो यहां यह कहा गया है कि जो सालिम अली थे एक टापू की तरह न उभर के एक अथाह सागर की तरह, क्योंकि वो सबको स्नेह करते थे, सबको हृदय से लगाते थे, चाहे वो पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे जानवर हो, कोई भी हो, वो प्रकृति से बहुत स्नेह करते थे, प्रकृति उन्हें स्नेह करती थी, प्रकृति के साथ में किसी प्रकार का दोहन नहीं करते थे, उदारवादी थे, आशावादी थे, विनम्रशील थे, स्वभावशील थे, व्यक्तित्व उनका बहुत सुंदर था। वो एक टापू की तरह न उभर कर वो अथाह सागर की तरह, जिस प्रकार सागर को हर कोई जानता है, टापू को हर कोई नहीं जानता है, इसी प्रकार सालिम अली को पूरा दुनिया जानती है कि वो वास्तव में अथाह सागर की जब इस दुनिया को छोड़कर गए थे तो उन्हें हर कोई जानता है। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की चार विशेषताएं बताइए। इस पाठ के आधार पर लेखक की जो भाषा शैली है, अर्थात किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, उसके बारे में इस पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है। सामने सपनों की याद पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की चार विशेषताएं हैं। नंबर एक, उन्होंने हिंदी के साथ उर्दू के शब्दों का भी अत्यधिक प्रयोग किया है, अपने इस चैप्टर के अंतर्गत ही नहीं, बाकी और भी उन्होंने जितनी भी ग्रंथ लिखे हैं, रचनाएं की हैं, उनमें हिंदी के साथ साथ में उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है। वर्ड वाचर, साइलेंट वैली जैसे अंग्रेजी शब्दों का भी उन्होंने अच्छे से प्रयोग किया है। भाषा बेपति नदी की तरह बहती हुई प्रतीत होती है, उनकी भाषा बहुत ही सुंदर
जिस प्रकार वेगवती नदी एक होती है, जिस प्रकार अच्छे तरीके से बहती है, उसी प्रकार उनकी भाषा भी अच्छे तरीके से बह रही है। भावाव्यक्ति की शैली दिल को छूती है, जो भावाव्यक्ति की वास्तव में उन्होंने जो वर्णन किए, जितने भी वर्णन किए वो दिल को छूने वाले शब्दों का वर्णन किया है, दिल को छूने वाली भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार ये जो जावेद हुसैन है, इनकी भाषा शैली की चार विशेषता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कुल मिला के इन्होंने तीनों भाषाओं पर अपना अधिकार जमाया है, अर्थात तीनों भाषाओं के शब्दों का अपनी रचनाओं में इन्होंने प्रयोग किया है, हम ये कह सकते हैं। और इनकी भाषा शैली बिल्कुल प्रभावमान है, जिसको हर कोई समझ सकता है। भावाव्यक्ति ये दिल को छूने वाली भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, ये बिल्कुल सटीक बात है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की दो राय नहीं है। इस पाठ के में लेखक ने सालिम अली, नेक्स्ट क्वेश्चन छठवा, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। जो जावेद हुसैन जी ने सावली सपनों की याद के माध्यम से जो सालिम अली के व्यक्तित्व का चित्र खींचा है, इसके बारे में मैं आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूं। अगर बात करें सालिम अली की, तो दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिस प्रकार सालिम अली थे। जिस प्रकार सालिम अली प्रकृति को प्रेम करते थे, पर्यावरण को प्रेम कर सकते थे, यहाँ के जितने भी प्रकृति के जीव जंतु, चाहे वो फल पेड़ पौधे क्यों ना हो, सबको प्रेम करते थे। उनका व्यक्तित्व तो उदारवादी था, आशावादी था, प्रायश्चित करने वालों में से थे, स्नेह करने वालों में से थे, लोगों को हृदय से लगाने वाले थे। यहाँ तक सबसे ज़्यादा पर्यावरण को लेकर बहुत चिंतित रहते थे, पर्यावरण में जो असंख्य जीव जंतु हैं उनको लेकर बहुत चिंतित रहते थे। उनका व्यक्तित्व तो एक खुली किताब की तरह था, वो रोम रोम में बसते थे, वो हर व्यक्ति के हृदय में, विचारों में बसने वाले। उनका व्यक्तित्व एक अद्वितीय था, एक अद्भुत व्यक्तित्व था उनका। उनके अंतर्गत एक अच्छे व्यक्ति के अंदर जो सारी विशेषताएं होनी चाहिए, एक संत सज्जन व्यक्ति के अंतर्गत, एक साधु व्यक्ति के अंतर्गत जो सारी विशेषताएं होनी चाहिए एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए, वो सारी विशेषताएं इनके अंतर्गत स्थगत थी, इनके अंतर्गत समाहित थी। तभी तो इनको डी एच लॉरेंस की प्रतिमूर्ति कहा है। नैसर्गिक प्राणी थे, सुख दुख में एक जैसा एहसास करने वाले थे, ये नैसर्गिक प्राणी थे। इस प्रकार सालिम अली का यहाँ जावेद हुसैन जी ने इस प्रकार चित्र किया है, उनकी सारी विशेषताएं गुणों के बारे में इसमें वर्णन किया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामने सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। जैसा कि इसकी जो सामने सपनों की याद जो शीर्षक है इस चैप्टर का, इसका हमें वर्णन कर रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा हर एक चैप्टर का कोई ना कोई शीर्षक होता है, एक टॉपिक होता है, हर एक प्रसंग का कोई ना कोई टॉपिक होता है, और उसकी कोई ना कोई सार्थकता अवश्य होती है। और वह जो सार्थकता होती है, वह टॉपिक जो होता है उस चैप्टर के इर्द गिर्द होता है, उस शीर्षक में ही उस चैप्टर का पूरा निचोड़ होता है, जैसा कि सामने सपनों की याद में मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां उन धुंधले सपनों की याद की जा रही है, सामने मतलब धुंधले, उस सामने सपनों की याद के माध्यम से उस पक्षी प्रेमी के बारे में बताया जा रहा है जो पक्षियों को हृदय से प्यार करता था, पक्षियों के प्रति अपने जीवन को समर्पित करता था, पक्षियों को लेकर वो चिंतित रहता था। यहां तक उन्होंने एक बार चौधरी चरण सिंह के सामने भी अपना वक्तव्य रख दिया था, केरल में जो साइलेंट वैली नामक जो पक्षियों असंख्य जीवों का जो स्थान है, जो गर्म हवाएं, सर्द भरी हवाएं जो रेगिस्तान से धूल के कणों से युक्त होकर आती थी जब साइलेंट वैली की तरफ, तो उससे खतरे की और वहां की व्यवस्था अव्यवस्थित ना हो जाए उसको बचाने के लिए हमेशा वो चौधरी चरण सिंह जिस समय उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनके सामने रखते थे, उनकी आंखों तक को इन्होंने नम कर दिया, देखे इनके प्रभाव के बारे में। तो यह शीर्षक बिल्कुल सार्थक है, इस शीर्षक में कोई निरर्थकता नहीं है। सामने सपनों की याद के माध्यम से एक अच्छे व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है, जो वर्ल्ड प्रेमी था, पक्षी प्रेमी था, जिसको इंडिया का वर्ल्ड मैन कहा गया है,
जैसा कि आज की दुनिया में दोबारा सुनना असंभव है। तो यहाँ इस प्रकार यह आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है और ये आपके प्रश्न भी यहाँ तक समाप्त हो जाते हैं पाठ्य पुस्तक के। अगर आगे कोई भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, इस चैप्टर से संबंधित कोई भी बात समझ में नहीं आई हो, तो आप सहर्ष पूछ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। आपके लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।